नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो प्रोजेक्ट दिखाने जा रहा हूं, इसका लोकेशन हो गया नियर बाई ठाकुरपुर मेट्रो चिंचलोंग सरनी के क्रॉसिंग के आसपास में। ये राइट साइड ये जो दिख रहा है, ये कवरडांगा की तरफ जाते हैं अपने। ये रोड हो गया आपका महात्मा गांधी रोड, जो टालीगंज से ठाकुरपुर कनेक्ट करता है। ये लेफ्ट हैंड साइड में आपका चिंचलोंग सरनी की तरफ जा रहा है। अप्रोक्स 400 मीटर के डिस्टेंस पर चिंचलोंग सरनी आएगा, उसके बाद आपका ठाकुरपुर मेट्रो आ जाएगा। ये हो गया प्रोजेक्ट का एंट्री। G+7 एंड G+12 दो टावर की बिल्डिंग है, टोटल 36 फ्लैट्स है। ये देखिए बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर दिखा रहा हूँ, इनका फिनिशिंग लेवल देखिए। प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा बनाया है उन्होंने, डेवलपर का देखिए क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट तो अच्छा होना चाहिए, साथ में फिनिशिंग जो होता है वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इनका जो फिनिशिंग जो है काफ़ी बेटर बेस्ट है। मैं अभी आपको ग्राउंड फ्लोर अच्छा दिखा दूँ, G+7 का एंट्री दिखाता हूँ। पहले कुछ कार पार्किंग दिख रही थी MLCP, इसमें कवर्ड कार पार्किंग, MLCP और ओपन, ये तीन ऑप्शन के पार्किंग है। ये देखिए ग्राउंड फ्लोर इनका। ये बिल्डिंग G+12 की है। ये दो बिल्डिंग के बीच का जगह है, काफ़ी बड़ा जगह, अच्छा जगह है। ये कम्प्लेक्स में कुछ बच्चे अगर रहते हैं तो इनको खेलने के लिए काफ़ी अच्छा जगह मिल गया। ये देखिए G+12 की बिल्डिंग थी, इधर आपका कॉमन एरिया पूरा हो गया, काफ़ी ओपन एरिया, काफ़ी बड़ा ओपन एरिया है इनका ग्राउंड फ्लोर में। वेल मेंटेन, अभी रिसेंटली बिल्डिंग कंप्लीट हुआ है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये पूरा पूरा ग्राउंड फ्लोर है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, पावर बैकअप है। देखिए दोनों का बीच का जगह। अभी अपने G+12 का बिल्डिंग में आ चुके हैं, ये अपने 9th फ्लोर में है। लिफ्ट से बाहर निकले, फ्लैट का एंट्री ये हो गया। ये फ्लैट का जो साइज़ हो गया आपको 1650 स्क्वायर फीट हो गया। ये सामने लगभग 27 फुट ये लंबा आपको इधर देखा, और इधर आपका 18 फुट का है। 3 साइड ओपन फ्लैट है, 1650 स्क्वायर फीट का फ्लैट है आपका। 3 बेडरूम, 3 टॉयलेट्स, एक बैल्कोनी है। व्यू इसका काफ़ी सुंदर है, और ये व्यू जो है आपको जो दिख रहा है आपको परमानेंट व्यू है। आसपास में जितने भी मकान है G+2 या 3 के हैं, रोड छोटी है, लैंड छोटी है, तो इतनी बड़ी मकान आने की, बिल्डिंग आने की कोई चांसेस नहीं है। ये हो गया वॉशिंग पॉइंट, ये इसका हो गया था अपना बैल्कोनी 4x10 का टीवी पॉइंट हो गया ये अपने। ये हॉल इनका एल टाइप का काफ़ी अच्छा हॉल है। इनका किचन भी काफ़ी बड़ा है, किचन भी इनका 11x6 का है। इनका प्लेटफॉर्म देख लीजिए, काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये फ्रिज का जगह, आप चाहें तो बाहर, हॉल इतनी बड़ी है कि आप फ्रिज बाहर भी रख सकते हैं, तो प्लेटफॉर्म को और बड़ा कर सकते हैं अपने। लेफ्ट साइड में इनका ये मास्टर बेडरूम हो गया, 3 बेडरूम में 2 अटैच टॉयलेट हैं। ये बेडरूम का साइज आपका लगभग 14x13 का है, लगभग 14x14 से थोड़ा सा कम है। ये अटैच टॉयलेट हो गया, टॉयलेट भी इसकी काफ़ी बड़ी है। 2 विंडो है, 1 वार्डरोब है, 1 अटैच टॉयलेट है, 14x13 के आसपास का। ये देखिए व्यू, देखिए ये परमानेंट व्यू दिया दिख रहा है अपने। 2 विंडो हो गया। अपने इस रूम से बाहर निकले, अपने लेफ्ट चले तो ये 2 बेडरूम और आपको आता है, एक राइट और एक लेफ्ट में, एक में और अटैच टॉयलेट है, मतलब 2 बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट है। इस बेडरूम की साइज़ भी आपका 11x10 का है। ये विंडो देख लीजिए, विंडो का व्यू, विंडो के बाहर से व्यू देख लीजिए, परमानेंट 3 साइड जो भी व्यू दिख रहा है आपको परमानेंट व्यू दिख रहा है। इसमें भी अटैच टॉयलेट है, तो 2 विंडो, वार्डरोब, 1 अटैच टॉयलेट। ये टॉयलेट का साइज भी आपका लगभग ये 3.5x11 का है, काफ़ी बड़ा टॉयलेट है, दोनों 2 टॉयलेट काफ़ी बड़े इनके। अभी अपने यहाँ से बाहर निकले, ये हो गया राइट साइड में, ये कॉमन टॉयलेट हो गया, कॉमन टॉयलेट 5x6 का है आसपास में, 5x5 के आसपास में है, 5x4 का, सॉरी 5x4 का कॉमन टॉयलेट हो गया आपका। अब ये बेडरूम हो गया, सॉरी 5x7 का कॉमन टॉयलेट था। इस बेडरूम का जो साइज़ हो गया आपका 11x10 का हो गया। इसमें भी 2 विंडो मिल रहा है, वार्डरोब मिल रहा है, व्यू देखिए। मैं इस फ्लैट में सबसे प्लस पॉइंट है कि कहीं किसी भी एंगल से आप देखेंगे
तो व्यू इसका काफ़ी सुंदर आएगा। थ्री साइड ओपन है, 1650 स्क्वायर फीट का फ्लैट है ये। 86 से 90 लाख के बीच में आएगा इंक्लूडिंग कार पार्किंग एंड ऑल। अपने फिर वापस हॉल में आ गए, हॉल भी काफ़ी बड़ी है। प्रत्येक फ्लोर में तीन तीन फ्लैट है इस टावर में। अभी अपने दूसरे टावर में आ गए, लिफ्ट से बाहर निकले। अपने इंटर करेंगे फ्लैट में, ये हो गया 1282, 1282 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। अभी ये हॉल देखिए, हॉल जो है इसका एल टाइप का है। इधर में आपका हो गया लगभग 13.5 फुट और लंबाई इसका हो गया 18 फुट, 13.5 फुट का है। ये वीडियो डोर कॉल हो गया। सामने बैल्कोनी, बैल्कोनी का साइज भी इसका जो है 4x10 का है। बैल्कोनी तक के व्यू देखो, व्यूटा खूबी दारू, खूबी सुंदर। सामने G+12 बिल्डिंग टा, एटा G+7 रहे छे, पॉन्ड फेसिंग आछे, एटा परमानेंट व्यू। ये व्यूटा जेटा आपने देखते पाछन ता पूरा पूरा परमानेंट। ये आपका वॉशिंग मशीन का इनलेट आउटलेट यहाँ पे हो गया। अबर हमारा हॉले ढुकलम, हॉलटा खूबी सुंदर, 1282 स्क्वायर फीट हिसाब से जेटा लेआउट आछे खूबी सुंदर रहे छे। ये बेडरूमटा हलो सबथेके छोटो, 10x11 काचाकाची। प्री बेडरूम में विंडो तक के आबर सेम व्यू। बारह सौ बिरासी स्क्वायर फीट फ्लैट आचे, 70 लैक्स एप्रोक्स पड़वे एटा इंक्लूडिंग कार पार्किंग, G+7 बिल्डिंग, G+12 दूटो टावर रहे। ये बेडरूम टा मास्टर बेडरूम रहे। ये बेडरूम टा साइज हलो अपना 13x12। ये बेडरूम में व्यूटा देखुन आपने, टूवर्स ठाकुरपुकुर देखा जाच्छे। एटा परमानेंट व्यू, पूरा कोकोनट व्यू रहे छे एदिके, कोकोनट ट्री व्यू, खूबी दारुण व्यू रहे छे। परमानेंट ओपन रहे छे, कोनो दिन ब्लॉक होवे ना। आमने सामने जा बिल्डिंग आछे, G+2-3 आछे, छोटा छोटा बिल्डिंग है, कभी ब्लॉक नहीं होगा। ये इनका टॉयलेट काफ़ी बड़ा टॉयलेट है, ये लगभग 10x5 का है, काफ़ी बड़ा टॉयलेट है ये। टोटल 36 फ्लैट्स है इसमें। यह वक्त फिर अपने हॉल में आ गए, ये सामने आ गया कॉमन टॉयलेट और ये एक बेडरूम आ गया इस साइड में। ये सेम फिर वही व्यू है इनका, ये टूवर्स कवाडंगा की तरफ में व्यू था इस विंडो से। वार्डरोब दो विंडो। इस बेडरूम का साइज़ भी वही है आपका 11x10 का है। ये तीन बेडरूम दो टॉयलेट है, 1280 स्क्वायर फीट का फ्लैट, 1300 स्क्वायर फीट से लेकर 1650 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। G+7 एंड G+12 70 लाख से लेकर 90 लाख तक। ये कॉमन टॉयलेट हो गया। नई बिल्डिंग है नियर बाई जिमसलोंग सरनी से, ये बिल्कुल नज़दीक पड़ेगा, अप्रोक्स 400 मीटर के आसपास होगा। ये इनका किचन हो गया, किचन का साइज 11x6 का है, काफ़ी बड़ा किचन है। ऊपर नंबर दिया गया है, किन्हीं जे कोनो लोके जो भी किचू दरकार था के विजिट करार जो ने आदर भी प्रोजेक्टेड डिटेल ब्रोशियर हमें अपना के व्हाट्सएप कर देव, अपनी रिंग कर नीन ना होले अपनी हमें व्हाट्सएप कर। वीडियो देखार जो थैंक्स। जदि कारो फ्लैटो बिक्री करार था अपनी ऊपर नम्बर हमें कन्टैक्ट करते। वीडियो देखार जो थैंक्स, धन्यवाद।